नमस्कार, मैं आपके साथ अतिथि चौहान और आप देख रहे हैं नेशन भारत। बिहार में एक बार फिर से कोरोना ने तांडव शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़े न सिर्फ चौंकाने बल्कि डराने वाले भी हैं। रोज कोरोना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है और यहां तक कि स्कूल और कॉलेजों पर भी ताला लग गया है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में एक ही दिन में 836 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। इनमें राजधानी पटना के सर्वाधिक 359 लोग हैं। ताजा अपडेट को देखते हुए बिहार का ऐसा कोई जिला बाकी नहीं बचा जहां संक्रमण ना हो, जबकि फरवरी के महीने में कई ऐसे जिले थे जहां पॉजिटिव शून्य हो चुके थे, यानी वहां कोरोना का कोई भी केस एक्टिव नहीं था। वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर बिहार में सार्वजनिक आयोजनों पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने के बाद यह निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। इसके साथ ही 5 अप्रैल से खुलने वाले स्कूल, कॉलेज और कोचिंग स्थानों अब 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। नीतीश कुमार ने बैठक में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को स्कूलों को बंद रखने की सलाह दी थी, जिसके बाद ही स्कूल कॉलेजेस को 1 अप्रैल तक के लिए बंद रखने का फैसला किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस से नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए लोगों को इलाज और टीकाकरण कराना होगा। इसके साथ ही लोगों को कोरोना से सचेत रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे सार्वजनिक आयोजन को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के लिए तैयार किए गए अस्पतालों में पूरी तैयारी रखें और टीकाकरण की संख्या को बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण हो सके। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।